कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस में अभी? मुनावर सिद्दीकी, हाँ मुनावर मुनावर भाई है। मम्मी जी का सबसे, मम्मी जी अभी अपना कल रात का कोटा पूरा कर रही हैं। वैसे मम्मी रात में देखती है सारी टीवी सीरियल, लेकिन वो रात के 10 बजे आता है इसलिए मम्मी जी नहीं देख पाती है। तो फिलहाल अभी मम्मी जी अपना ये देख रही हैं, देख रहे हो आप लोग, यह है टेम्पटेशन आइलैंड देख रही। इससे पहले मम्मी जी बिग बॉस देख रही थी। बहुत बड़ी फैन है हमारे, बिग बॉस की सबसे बड़ी फैन है मम्मी जी। अगर मम्मी जी से कोई सवाल पूछ लो बिग बॉस का, हर चीज मम्मी जानती है। कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बेकार है, कौन जोकर है, कौन उल्लू है, कौन पूरे बिग बॉस को चला रहा है, सब कुछ मम्मी सब कुछ मम्मी जानती हैं बिग बॉस के बारे में। वीकेंड के वार पे सलमान खान के बोलने से पहले मम्मी जी को पता होता है कि आज इसको जरूर डांटेगा, आज इसको अच्छा बोलेगा। तो और वही होता है, जिसको बोलती है कि इसको डांटेगा उसी को डांटता है सलमान। और ऐसा ही है, मतलब कि इतनी ज्यादा बिग बॉस देखती है ना मम्मी, मतलब सीजन कितने, कौन से सीजन से आपने देखना शुरू किया? 1 से कि 2 से? 2 से। दो, सीजन 2 से। पहले सीजन 1 के बारे में तो पता ही नहीं था बिग बॉस क्या होता है। सीजन 2 से जब से देखना शुरू किया और आज तक की टाइम में सीजन 17, मम्मी जी को पता है कि इस टाइम से बिग बॉस शुरू होगा। अब लगाओ बिग बॉस, लगाओ बिग बॉस, लेकिन टाइमिंग चेंज हो गई। पहले 9 बजे आता था। मेरा फेवरेट सीजन कौन सा है? मम्मी जी का फेवरेट सीजन है सीजन 13, सिद्धार्थ शुक्ला वाला, जिसमें बहुत बढ़िया सीजन था। उसमें तो मजा ही आ गया था मम्मी जी को। उसके बाद से आज तक कोई ऐसा सीजन नहीं आया जो सीजन 13 को बीट कर सके। और आए हैं सीजन, ऐसे नहीं है सही आए हैं, लेकिन उस लेवल का वो सीजन नहीं आया जो सीजन में। उसमें तो जैसे कि आपके सीजन अब जो आते हैं सीजन, उसमें हल्का सा धक्का लग जाता है, बिग बॉस को अपील कर देते हैं। जैसे सनी तहलका को निकलवा दिया गया उसको बोल के, लेकिन बिग बॉस 13 में था कि लड़ाई उड़ाई सब हो जाती थी। उतना तो हाथ के हर एक, कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जिसके हाथ में फ्रैक्चर ना हुआ सीजन 13 में। तो वो सीजन एक नेक्स्ट लेवल था। अभी तो फिलहाल मम्मी जी के शो देख लिया मम्मी जी ने। अभी कौन कौन नॉमिनेट हुआ वो भी पता होगा, अभिषेक, फविशेक, जो भी है सब। क्यों मम्मी, हाँ, बाबू भैया हुए कि नहीं नॉमिनेट? बाबू भैया को नॉमिनेट नहीं किया गया? किए हैं लेकिन हुए नहीं। अच्छा, तो अभी फिलहाल बाबू भैया सेव हैं। और आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस में अभी? मुनावर सिद्दीकी, मुनावर मुनावर भाई हैं। मम्मी जी का सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट मुनावर है। और मम्मी जी को ही वो सही लगता है, बातें अच्छा करता है ना, एक समझदारी वाली बातें होती है ना, वो ही अच्छा करता है ना। ज्यादा अग्रेसिव, मतलब गुस्सा नहीं दिखाता है ज्यादा। किस मतलब किस जगह पे किस सिचुएशन में कैसे रहनी चाहिए वो सबको समझाता रहता है। मतलब वो मतलब यह है कि लोग जैसे अगर मतलब अगर गलत जा रहे हैं तो उसको राइट वे में करने की कोशिश करता है। उसके चक्कर में वो थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन कहने को वही होता है। हर हफ्ते सलमान कहते हैं कि तुम हमेशा समझाने में ही रह गए हो पूरे सीजन में। और सबसे बेकार प्लेयर आपको कौन लगता है, मतलब जो सिर्फ बिग बॉस के शो में अभी सिर्फ अपना काट रहा है, वो मतलब कि निकल जाना चाहिए था, उसे अभी तक रुका हुआ है? बाबू भैया के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं बाहर, इसके चक्कर में वो सेव हो जाते हैं। नहीं तो नहीं, वो तो है, लेकिन बाबू भैया मतलब दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं वो बिग बॉस को। मतलब डिसीजन लेनी चाहिए, अगर कोई किसी से कुछ उससे कुछ कह रहा है तो ये नहीं कि अपने तक ही रखे। जरा सी अगर लड़ाई होता है तो पूरा मतलब पैनिक हो जाता है, रोने लगता है, घर छोड़ने की कोशिश करता है। ये है कि वो थोड़ा सा जोकर टाइप की हरकतें करने लग गया उसके अंदर। बहुत है, जैसे अभिषेक है, अभिषेक तो सिर्फ एग्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा है उसके अंदर। पता है वो पिछले सीजन को देख के ना वो ऐसा करने की कोशिश, वो ये दिमाग में उसके हो नहीं रहा। उसके दिमाग में ये है कि लड़ते रहो और दिखते रहो, लड़ते रहो दिखते रहो।